हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके राष्ट्र गौरव की परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चंस को देख लिया था, और इसके पहले हम लोगों ने पिछले साल के पेपर का सोल्यूशन भी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने पिछले साल के पेपर का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चंस हैं, और उसमें आपको पूरा परीक्षा का पैटर्न भी पता चला जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लगभग 700 से 800 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। अगर आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो आपको इसके बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब पिछले 10 साल जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन है, ठीक है। यानी कि पिछले जो भी 10 साल में पेपर आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मिला के यह बनाया गया है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने राष्ट्र गौरव का पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और उसका पूरा प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने सिलेबस को भी डिस्कस किया है। सिलेबस सबसे ज़रूरी आपके लिए जानना, उसमें 3 खंड होते हैं, खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क में राष्ट्र गौरव का होता है, खंड ख में पर्यावरण अध्ययन का, और खंड ग में क्या होता है आपका, तो मानवाधिकार से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कौन सा करना है, तो तीनों में से करना होता है, ठीक है। ये नहीं कि राष्ट्र गौरव वाला बस करना है, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको मिनिमम 33 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। अब आप में फिर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि अगर 33 से कम आ गया तो क्या होगा, तो 33 से कम आ जाएगा तो आपको आपका राष्ट्र गौरव नहीं निकलेगा, ठीक है, आप फेल हो जाएंगे। और आपको 3 साल में एक बार इसको पास कैसे भी करना होता है तभी आपको मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। या फर्स्ट ईयर में पास करें, सेकेंड ईयर में पास करें, या फिर थर्ड ईयर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है आपका तृतीय शती ईस्वी पूर्व में हुई, ठीक है। अगला है, न्याय की रचना किसने की? तो न्याय की जो रचना है वह गौतम ने की थी। रामानंद कौन थे? तो रामानंद कौन थे, वैष्णव थे। यानी कि वैष्णव का ही जो प्रारंभिक नाम था क्या था, रामानंद, ठीक है। रविदास के गुरु का क्या नाम था? तो रविदास के गुरु का नाम था रामानंद, ठीक है। आप सभी लोग बस क्वेश्चंस को एक नज़र से देखते जाइए, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन रटने लायक है उनको रट लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग स्टार्ट से पढ़ेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को देखते जाइए, और जैसे ही आप 1 से 2 बार 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, विक्रमशिला विहार के रचयिता कौन है? तो विक्रमशिला विहार के रचयिता है धर्मपाल। थेरुवाद का संबंध किससे है? तो थेरुवाद का संबंध है बौद्ध दर्शन से। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहद संहिता के रचनाकार हैं वराह मिहिर। महरौली का लौह स्तंभ किस काल से संबंधित है? तो यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में शीशे का सिक्का सर्वप्रथम किस वंश में चला? देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो सातवाहन वंश से, ठीक है, सातवाहन वंश से। अगला है, हाशिया यजुर्वेद के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पालकत्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र का चिन्ह कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, अशोक के स्तंभ से प्राप्त किया गया है भारतीय गणतंत्र का चिन्ह, ठीक है। अगला है, अमरावती का स्तूप किस काल से संबंधित है? तो अमरावती का जो स्तूप है वह किस काल से संबंधित है? तो सातवाहन काल से संबंधित है, ठीक है। अगला है, अशोक के किस स्तंभ के शीर्ष पर बैल स्थापित है? देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी 2-3 बार परीक्षा में आ चुका है। तो अशोक के किस स्तंभ के शीर्ष पर बैल स्थापित है, यानी कि बैल की आकृति, बैल के चित्र स्थापित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फी, रामपुरवा, ठीक है। रामपुरवा में जो अशोक का स्तंभ है उसके शीर्ष पर क्या स्थापित है, बैल। अगला है, निम्न में से किस देव के मंदिर खुजराहों में नहीं है? ठीक है, तो जो बुद्ध हैं उनके मंदिर खुजराहों में नहीं हैं। अगला है, सांची के तोरण द्वारा किन कथाओं का उत्कीर्णन है? देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, द्वार रहेगा, द्वारा नहीं रहेगा। सांची के तोरण द्वार पर किन कथाओं का उत्कीर्णन है? तो जातक कथाओं का उत्कीर्णन है, यानी कि जातक कथाएँ उस पर लिखी गई हैं, ठीक है, जो सांची का तोरण द्वार है। निम्न में से रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रथ मंदिर आपका महाबलीपुरम में स्थित है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, चोलों ने करवाया था, ठीक है।
जो चोल पल्लव चाणक्य ठीक है पांडव ये सब होते थे तो चोलों ने करवाया था। ठीक है, अब आप सब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट साइंस वाले होंगे। ठीक है, बस आप याद कर लीजिए कि तंजौर के बृहदीश्वर जो मंदिर था उसका निर्माण चोलों ने करवाया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थल क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। अगला है, निम्न में से किसने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त ने जो है तक्षशिला से क्या प्राप्त की थी? शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? तो सांख्य दर्शन के आचार्य हैं कपिल, कपिल देव वाले नहीं हैं कपिल। ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे? देखिए यह भी कई बार आ चुका है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी थे। संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है, देखिए अभी आ चुका है कई बार परीक्षा में, तो इस जो वीडियो में बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध मुख्यतः किस बौद्ध मत से था? ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी महायान से था। अगला है, अर्थशास्त्र का मूल संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का मूल संबंध है दंड नीति से। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और पिछले वाली वीडियो में शायद एक दो क्वेश्चन मिसप्रिंट की वजह से गलत हो गया था, तो आप ऐसे कुछ लोग कमेंट करके उसको सही कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो में कोई भी क्वेश्चन अगर का आंसर गलत बता दिया जाए तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और उसको सुधारा नहीं जा सकता है बाद में, क्योंकि वीडियो बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के रचयिता है वात्स्यायन। कादम्बरी के रचना देखिए पिछले साल शायद पेपर में आया भी था, 2019 का पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें यह क्वेश्चन आया था, शायद देख लेंगे आप लोग एक बार। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो कादम्बरी के रचनाकार हैं आपके वाड़भट्ट। निम्न में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? तो कालिदास की कृति कौन सी नहीं है? देखिए अभिज्ञान शकुंतलम तो है, तो यानी कि गलत हो जाएगा, और ये भी है ये भी है, लेकिन महाभाग्य जो है महाभाष्य जो है वह कालिदास की कृति नहीं है। ठीक है, रैदास का जन्म कब हुआ था? तो रैदास का जन्म आपका 14वीं सती में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे? तो रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे? तुलसीदास जी जो हैं रामानंद के शिष्य नहीं थे। ठीक है, अगला है, हिंदू स्वराज के रचयिता हैं? तो हिंदू स्वराज के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा गया है। विवेकानंद द्वारा किस संगठन का निर्माण किया गया था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, यह एक तरीके का संगठन था। अगला है, मीरा भाई किसकी परम भक्त थी? तो ये तो लगभग आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, मीरा भाई जो थी वह कृष्ण की परम भक्त थी। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म स्थल है तलवंडी लाहौर। ठीक है, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मयुद्दीन चिश्ती की। अगला है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वह आरडी बनर्जी ने करवाया था। अब आप में से बहुत सारे लोगों का इनका पूरा नाम नहीं पता होगा, तो आरडी बनर्जी मतलब होता है राखल दास बनर्जी। ठीक है, आरडी मतलब क्या होता है? राखल दास बनर्जी। ठीक है, आरडी बनर्जी ने। अगला है, लोथल स्थित है? तो यह आप देखिए यहाँ से इतिहास शुरू हो रहा है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, जैसे मोहनजोदड़ो से दिख गया। अब अगला है, लोथल स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। धौलीवीरा कहाँ स्थित है? तो धौलीवीरा आपका गुजरात में स्थित है। जिन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता अच्छे से पढ़ी होगी वह एक आँख बंद करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ईजी है, एकदम बेसिक से पूछा है। ठीक है, और आर्ट वाले बच्चे तो आराम से इसका आंसर दे देंगे। सिंधु सभ्यता के लोग कौन थे? देखिए सिंधु सभ्यता के लोग कौन से थे? मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, दोनों थे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं थे, तो उस समय के लोग क्या थे? शाकाहारी थे, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है, यानी कि दोनों एक ही काल के हैं। ठीक है, समकालीन। अगला है, मोहनजोदड़ो के रहने के
मोहनजोदड़ो के रहने के मकान बनाए जाते थे किससे? गारा से, ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से। गारा मतलब जो माटी वाला होता है, ठीक है, ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से। तो जो मोहनजोदड़ो में रहने के लिए मकान बनाए जाते थे वह जो है ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है। यह बहुत ही प्रसिद्ध है, यह जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध ताम्र नर्तकी किस स्थान से प्रचलित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ताम्र नर्तकी है, ठीक है। ताम्र मतलब तांबे की और नर्तकी मतलब क्या होता है, नृत्य करने वाले, ठीक है। किस स्थान से प्रचलित है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृत किस युग की है? तो हड़प्पा जो संस्कृत है आपकी वह ताम्र एवं काफी युग की है, ठीक है। या तो आप ताम्र युग कहिए या फिर काफी युग कहिए। आर्य किस भाषा का शब्द है? तो आर्य जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी की लिपि को सूचना मिलती थी कहाँ से? मिलती थी आभूषणों से, मोहरों से, खिलौनों से, मूर्तियों से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहरों से, ठीक है। तो मोहर मतलब जैसे इस तरीके से रुपया है, पैसा है, उसी तरीके से मोहरों से, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख है? देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा आपका किस नदी का है? तो यमुना नदी का है, ठीक है। अगला है सत्यमेव जयते शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला यह ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद से है जो सत्यमेव जयते की शब्द की उत्पत्ति हुई थी। किस नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था? तो परुफड़ी नदी के तट पर दशराज युद्ध हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता जो थे स्वामी दयानंद जी थे। महात्मा गांधी का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी का जन्म स्थल है पोरबंदर में, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कीर्ति है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कीर्ति कौन सी है? गीतांजलि है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान निर्माती समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान निर्माती लिख दिया, निर्माता होना चाहिए, देखिए कि मतलब कितना अजीब है टाइप, जो भी टाइपिंग किया होगा वह गलत लिख दिया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बनाने वाला तो सही लिख के दिया होगा लेकिन टाइपिंग करने में एरर आई है। तो भारतीय संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखिए यहाँ पर दिया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में आपका जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा है, ठीक है। गबन के यहाँ पर देखिए क्या कह दिया है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, हाँ ठीक है यही है राइट आंसर। गबन के लेखक कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कि गबन के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। गबन, गोदान, ठीक है, इस तरीके से इनका है, बहुत सारी रचनाएँ हैं। सप्तांग राज्य सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य है, ठीक है। वैदिक कालीन सभा एवं समिति का संबंध किससे था? तो वैदिक कालीन सभा एवं समिति का संबंध था नृपतंत्र से, ठीक है। बुद्धकालीन लिच्छवियों की शासन प्रणाली थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी, ठीक है। आर्यव्रत किस का प्राचीन नाम है? देखिए यह भी इम्पोर्टेंट है, आर्यव्रत जो है किसका प्राचीन नाम है? आप सभी लोगों को पता होगा, लगभग 99.9% लोगों को पता होगा कि आर्यव्रत जो है वह भारत का ही नाम था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मतलब बहुत बुरी बात है, क्योंकि भारत का नाम आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो आर्यव्रत था वह भारत का पुराना नाम था, भारत के और भी पुराने नाम थे उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि आर्यव्रत जो ज़्यादा फेमस है वही आ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो सातवां स्थान है। आप देखिए कैसे है सातवां स्थान, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। और इसके पहले मैं बीए के एंट्रेंस पेपर का बीए के एंट्रेंस पेपर के परीक्षा की तैयारी करा रहा था तो उसमें भी यह ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है आपका, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर अच्छे से टाइपिंग नहीं हो पा रही है, मैं फिर से लिखता हूँ। ट्रिक है आपका रुक चीन अब आया भारत,
जब भी आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किसी भी देश का अगर पूछे स्थान कौन सा है, तो आपको यही ट्रिक याद करनी है, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए, इसको आप तोड़ते हैं। रू से होगा रूस, ठीक है, रू से रूस, रूस का पहला स्थान है। क से कनाडा, कनाडा का दूसरा स्थान है। चीन से चीन, तीसरा स्थान। अ से आयरलैंड, चौथा स्थान। ठीक है, ब से बांग्लादेश, पाँचवा। ठीक है, सॉरी, यहाँ से अ से अफगानिस्तान होगा, अ से अफगानिस्तान चौथा, और ब से बांग्लादेश पाँचवा, और आई से आयरलैंड है छठवां, और सातवां कौन सा है, भारत है। ठीक है, सातवें नंबर पर भारत है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसे आपको याद करना है, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, रुक चीन अब आया भारत, तो भारत का सातवां स्थान है। आप भारत के हैं तो बस भारत का मत याद रखिए, क्योंकि किसी का भी पूछ सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है इस देश का, तो याद रखेंगे रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, भारत कितने समुद्रों से घिरा है, तो भारत जो है आपका वह बेसिकली तीन समुद्रों से घिरा है। ठीक है, आर्य से आशय क्या है, तो आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो उसी से आशय क्या होगा, श्रेष्ठ का। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठ। आर्य का आशय क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ है, इसको और क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इसको उत्तम बोल सकते हैं, पूज्य बोल सकते हैं, और हमारे देश का पुराना नाम क्या था, आर्यव्रत था। ठीक है, अगला है, भारत में सामान्यता परिवार पितृ प्रधान है अथवा मातृ प्रधान है। ठीक, देखिए इसका मतलब क्या है, जो भारत में जो भी परिवार हैं उसमें पिता प्रधान होता है या फिर माता प्रधान होती है, कौन होता है मुखिया घर का, तो कौन होता है, ए और बी दोनों होते हैं, कहीं कहीं माता प्रधान होती हैं, कहीं कहीं पिता प्रधान होते हैं, यानी कि कहीं कहीं किसी घर में माता मुखिया होती हैं तो किसी घर में पिता मुखिया होते हैं। ठीक है, तो इसका इस तरीके से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, लेकिन पुराने समय में यह अलग था। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो कभी पिता प्रधान होते थे तो कभी माता प्रधान होती थी, आप लोग पढ़ेंगे इतिहास तो पता चलेगा। सैंधव समाज में कितने वर्ग हैं, तो सैंधव समाज में कितने वर्ग थे लिखना चाहिए। ठीक है, सैंधव समाज में कितने वर्ग थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चार वर्ग थे। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जो चार वर्ण थे उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है सबसे पहले, तो ऋग्वेद के दसवें मंडल में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार जो वर्ण थे उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था, तो ऋग्वेद के दसवें मंडल में। अगला है, संगीत शास्त्र किस वेद से संबंधित है, तो संगीत शास्त्र जो है आपका वह सामवेद से संबंधित है। आप लोगों को मैंने बीए के परीक्षा की तैयारी जब करा रहा था तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जो सामवेद है आपका, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है, तो इसमें जैसे मैं अगर आपको नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो पोएम लिखा है, कविताएँ लिखी हैं, ठीक है, एक तरीके से जाने गाना वगैरह लिखा है सामवेद में, इस तरीके से याद करेंगे। तो संगीत किस में लिखा है, संगीत शास्त्र किस में है, तो सामवेद में है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों ने सर्वश्रेष्ठ नदी किसे माना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती को माना है। अगला है, निम्न में से भारतीयों की उपलब्धि है, तो भारतीयों की उपलब्धि क्या है, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको बताना है कि भारत की उपलब्धि क्या है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य की खोज जो है वह भारत ने दिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें दशमलव पद्धति और अंकलिपि पद्धति, दशमलव पद्धति भी इसमें आ सकता है क्योंकि दशमलव पद्धति भी भारत द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे स्ट्रांग वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा शून्य, इसकी खोज भारत द्वारा की गई थी। ठीक है, और दशमलव पद्धति वाला भी सही है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर सी मानना है, क्योंकि देखिए सबसे स्ट्रांग कौन दिख रहा है, तो शून्य वाला दिख रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सैंधव सभ्यता की काफे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। और इसमें दो दो आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन शून्य वाले सभी लोग मानते हैं। ठीक है, कि शून्य की खोज भारत ने किया था, और दशमलव पद्धति वाला कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता की काफे की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर है, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है लगभग 20 मिनट की लंबी बन चुकी है। ठीक है, और हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग अभी इस वीडियो से इतना पढ़िए। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं पूरे वीडियो का पीडीएफ मैं यहाँ पर वीडियो में लगा दूंगा, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आपके सारे क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे,
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।